हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। देखो, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये होता क्या है, कॉन्करेंसी क्या होती है ना। कॉन्करेंसी क्या होती है, देखो, अगर हमने जैसे पीछे हमने ट्रांजेक्शन्स पढ़े थे, तो अभी जैसे हमारा T1 ट्रांजेक्शन है, देन T2 ट्रांजेक्शन है, T3 ट्रांजेक्शन है, तो अगर हम एक साथ कई सारे ट्रांजेक्शन्स को यूज़ करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्करेंसी। अब देखो इसमें क्या, अगर हम एक ही सपोज ट्रांजेक्शन को यूज़ करते हैं तो हमारे को दूसरे वाले को क्या होगा, उतनी देर वेट करना पड़ेगा जब तक कि इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद फिर इसकी टर्न आती है तो फिर ये अपना कंप्लीट करेगा, इसको वेट करना पड़ेगा। ऐसे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम कॉन्करेंसी को यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि एक ही टाइम पर हमारे कई सारे ट्रांजेक्शन एक साथ वर्क कर सकते हैं। तो उसके अगर हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती हैं, है ना, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, तो उसकी देखो एक एडवांटेज तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगी, वेटिंग टाइम की। वेटिंग टाइम इसमें क्या हो जाएगा, इसका वेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। वेटिंग टाइम, भाई इसको एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो आपने भी यूज़ कर लिया, किसी और एटीएम ने, किसी दूसरे ने भी उसमें यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है कि किसी को वेट करना पड़ रहा है, तो वेटिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका एडवांटेज अगर देखते हैं तो होगा हमारा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम कैसे, कि अगर अभी सीपीयू सपोज इसको यूज़ कर रहा था, सीपीयू है ना ट्रांजेक्शन 1 के लिए कर रहा था, बीच में ही दूसरे की रिक्वेस्ट आई, T2 की रिक्वेस्ट आई, तो सीपीयू ने स्विच कर लिया है ना, और उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट आई तो उसने स्विच कर लिया, तो वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और उससे हमारा क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, कि फटाफट चेंजेस होते रहते हैं उसमें, है ना। इससे हमारा क्या हो जाता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। देखो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब हम बार 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 जल्दी जल्दी फास्ट यूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज एक फ्री करेगा, दूसरा यूज़ कर लेगा, दूसरा फ्री करेगा, तीसरा यूज़ कर लेगा, तो उससे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। जब ये सारी के सारी चीज़ें होंगी तो नेचुरल सी बात है कि हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी अगर हम कॉन्करेंसी को यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी एक ही डिसएडवांटेज होती है कि इसको मैनेज करना, है ना, सिर्फ इसको, क्योंकि हमारे को क्या होता है, कई बार इनकंसिस्टेंसी आ जाती है इसके अंदर, तो बहुत मतलब वो मुश्किल हो जाता है कि इसका मैनेजमेंट देखना जो होता है। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं देखो वो हम देखते हैं। देखो, एक होती है इसमें डर्टी रीड प्रॉब्लम, डर्टी रीड प्रॉब्लम। अब डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या होती है, कि एक हमारा ट्रांजेक्शन T1 है, दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन T2 है। डर्टी रीड किसे बोलेंगे, इसने क्या करा, रीड कर लिया, देन इसने राइट कर लिया। सपोज इसके पास में था ये 500, इसने राइट करा यानी अपडेट कर दिया, इसमें 50 और ऐड करके, तो यानी ये हो गया 550। अब अगर इस ट्रांजेक्शन T2 आया और उसने रीड करा, तो वो किस वैल्यू को रीड करेगा, इसी वैल्यू को रीड करेगा, यानी 550 को रीड करेगा। अब इसने 550 को रीड करा तो वही लॉजिकली तो ये एग्जिस्ट अभी करता है। उसके बाद इसने क्या करा कि यहाँ से रीड करा, रीड करने के बाद इसने कॉमिट कर दिया। जैसे इसने कॉमिट करा, तो कॉमिट करने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है डेटाबेस में अपडेट हो गई, है ना, वहाँ पर वो चेंज हो गई। लेकिन अभी जो T2 ने करा था, T2 ने यहाँ तक करा हुआ था, इसको तो नहीं पता कि इसका किसने, दूसरे ने इसका रीड करा है, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि हम अकेले ही कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, है ना, कि हम आइसोलेशन में हैं। किसी को नहीं पता होता कि कितने ट्रांजेक्शन एक साथ वर्क कर रहे हैं और किसने किसकी रीडिंग जो है आगे कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पर राइट ऑपरेशन करा था, यहाँ इसके पास में 55 है, अब ये आगे चला थोड़ा सा, उसके बाद में यहाँ जब कॉमिट करने ही वाला था, कॉमिट करने से पहले इसका जो है सिस्टम फेल हो गया, किसी भी रीज़न से फेल हो गया, है ना, कि इसका नेट चला गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया। तो जैसे ही हमारा ये सिस्टम फेल हुआ तो ये क्या करेगा, रोल बैक। अब इसने कर दिया रोल बैक। जब रोल बैक करता है तो रोल बैक करने पे तो ये वापस अपनी 0 पोजीशन पे आ जाता है। अब यहाँ पर जब इसने 0 पोजीशन पे ये तो पहुँच गया, तो अब जो ये वाली रीडिंग थी ये तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अब, है ना, पहले तो उसने यहाँ से रीड करी थी। तो इसी को हम वैल्यू को क्या बोल देंगे, डर्टी रीड, ठीक है।
ये हो जाएगा इसके बाद में डर्टी डीड। तो इसमें अगर हम ये कॉमिट कर चुका होता और कॉमिट करने के बाद T2 जो है वो रीडिंग लेता तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसने कॉमिट करने से पहले उसकी रीडिंग ले ली तो वो हमारी हो जाती है डर्टी रीड। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अनरिपीटेबल प्रॉब्लम। अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम वो क्या होती है? देखो, जैसे अब इसमें भी हमने ट्रांजेक्शन एक T1 लिया, एक T2 लिया, इसने रीड करा है ना। अब रीड करा, सपोज इसने 100 रीड करा, यहाँ से इसने भी रीड कर दिया। अब इसने भी एक्स एक्स रीड कर रहा है, यानी ये भी 100 ही रीड करेगा, राइट। अब यहाँ से इसके बाद जब यहाँ पर आए हम, क्योंकि कई सारे ऑपरेशन हो रहे हैं तो स्विचिंग हो रही है, एक बार ये करेगा, फिर एक बार ये करेगा, एक बार ये करेगा, ऐसे स्विच करता रहता है। तो ट्रांजेक्शन अभी T1 था, फिर T2 पे आ गए, अब वापस T1 पे आ जाएंगे हम। तो अब यहाँ से जब इसने इसमें राइट ऑपरेशन करा, यानी अपडेट करा, तो अपडेट करने के बाद में अभी ये कुछ भी चेंज करा इसने, सपोज इसमें 100 में इसने 10 प्लस कर दिया, यानी 110 हो गया। तो ये अभी चेंज कहाँ पे हो रहा है? मेमोरी के अंदर चेंज हो रहा है ना, तो मेमोरी में हो रहा है। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया कि ये तो अब यहाँ पर तो ये 110 हो गया, यहाँ से इसने राइट ऑपरेशन कर दिया था, इसे अपडेट कर दिया था, लेकिन जो T2 है, T2 ने रीड करा हुआ है 100 वैल्यू। अब अगेन जब आगे इसे प्रोसेस करना होगा तो इसके पास में तो ये 100 ही वैल्यू को रीड करेगा है ना, इसको इसको तो नहीं पता कि ये आगे अपडेट हो चुका है। तो जो ये वाली प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर हमारी 100 से 110 हो गई थी और यहाँ पर इसके पास 100 ही है, तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी है, अनरिपीटेबल प्रॉब्लम है। तो उसको तो पता ही नहीं है, ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा उसके लिए कि ये जो वैल्यू थी ये अपडेट हो चुकी थी, T1 ने अपडेट कर दी थी, इसके पास में जो वैल्यू है वो तो अभी 100 की वैल्यू है। तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है हमारी लॉस्ट अपडेट। ये होती है, इसे हम बोलते हैं राइट राइट प्रॉब्लम, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझते हैं, ये T1 है, ये T2 है। अब यहाँ से इसने रीड करा, यहाँ पे इसने इसको राइट भी कर दिया, देन यहाँ पर हमारी सपोज 100 थी, इसने कर दिया इसको 110 कर दिया, राइट कर दिया। अब यहाँ पर भी राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट है, तो यानी ये भी इसको राइट कर रहा है। राइट का मतलब क्या होता है? अपडेट कर रहा है। अपडेट कहाँ पर करता है? मेमोरी में अपडेट करता है। तो ये यहाँ से जो है इसमें अभी 110 था, अब इसने क्या करा कि यहाँ से इसमें कुछ और अपडेट करा, तो 110 में सपोज 40 और कर दिया, इसने कुछ भी अपडेट करा, यानी 150 हो गया। तो जो अब हमारी वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? 150 हो गई। अब यहाँ से इसने क्या कर दिया? इसको कॉमिट भी कर दिया, कॉमिट कर दिया यानी डेटाबेस में इसने चेंज कर दिया। अब आगे ही जब ये बढ़ा तो इसने यहाँ पर पे कॉमिट करा, ठीक है। अब यहाँ पर तो इसने डेटाबेस में चेंज कर दिया था, अब इसके यानी ये जो 110 है, तो 110 मतलब, क्योंकि इसमें भी भाई दोनों यही सोच रहे हैं कि भाई हम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, उसको नहीं पता कि T2 भी काम कर रहा है और उसने उसकी रीडिंग नोट करी थी। तो अब ये जो 110 है, ये 110 तो हमारी क्या हो जाएगा, एक तरह से लॉस्ट हो जाएगा ये वाला जो है हमारा, मतलब ये जो है हमारा ये, तो क्योंकि यहाँ पर इसने इसको कमिट करके 150 को जो है वो अपडेट कर दिया डेटाबेस में, तो ये वाला तो कुछ हुआ ही नहीं इसकी वैल्यू का। तो अब जब इसने इसको कमिट करा तो उससे पहले ये हो चुकी थी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी लॉस्ट हो जाएगी। तो इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। एक इसमें और प्रॉब्लम आती है, वो होती है हमारी फैंटम प्रॉब्लम। फैंटम प्रॉब्लम रीड मतलब रीड प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है? उसमें देखो, उसमें होता है हमारा ये T1 है, ये T2 है, इसने रीड करा है ना, रीड करा इसको, सपोज 100 रीड करा, यहाँ से इसने भी रीड करा, तो रीड क्या होगी? यही वैल्यू सेम रीड हो जाएगी, यहाँ पे भी 100 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। किसको डिलीट कर दिया? ए को ही डिलीट कर दिया, यानी उसने वैल्यू ही ख़त्म कर दी। तो अब जो यहाँ पर वैल्यू है, अगर सपोज ये रीड कर रहा है इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम
आ जाएगी यहाँ पर, तो क्योंकि ये वैल्यू ही हमारा ए ही ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, तो ये तो इसने क्या करा, स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जबकि पीछे अनरिपीटेबल प्रॉब्लम में क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू चेंज हुई थी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ था, इसमें तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, तो इसे हम बोलते हैं फैंटम रीड प्रॉब्लम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारी कॉन्करेंसी कंट्रोल के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो उसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।